गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज़ योर क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्वेश्चन. ठीक है, हाउ टू मेक दिस क्वेश्चन. दिस इज ट्रांजेक्शन. मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. ओके, मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश लगा के. ठीक है, अब इसका जो बेस होता है वो एसेट्स होता है इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है, अब एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स आपके बिजनेस में आ रही है उसको हम लोग वन बाय वन यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, वन बाय वन हम ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ लिख देंगे, और जो लाइबिलिटी साइड में क्रिएटर है और जो कैपिटल है उसको भी लिखेंगे. ठीक है, तो मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश. ठीक है, तो बिजनेस में क्या है, कैश आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पर राइट करेंगे कैश. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राइट करेंगे कैपिटल. ठीक, कैश कितनी आई 80,000 और कैपिटल कितनी है 80,000. ठीक है, तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल टू होना चाहिए. ठीक है, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग. ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000. आपने क्या किया है, परचेज किया है गुड्स. ठीक है, 28,000 का, तो गुड्स आपकी एसेट्स है और कैश भी आपकी एसेट्स है, मतलब एक एसेट्स आपके पास से जा रही है, दूसरी एसेट्स आपके पास आ रही है. ठीक है, तो यहाँ राइट करेंगे जो गुड्स होगा उसको यहाँ पे या तो गुड्स भी लिख सकते हैं या तो स्टॉक लिख लीजिए. ठीक है, तो कैश देंगे तभी गुड्स आएगा, तो 80,000 में से हम लोग क्या करेंगे 28,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे और आपके पास क्या आया, गुड्स आ गया, मतलब स्टॉक में हम लोग 28,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे. ठीक है, और कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं होगी. ठीक, नेक्स्ट है परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज़. आपने गुड्स को परचेस किया है लेकिन कैश नहीं दिया है, ऑन क्रेडिट परचेस किया है. ठीक है, तो गुड्स में मतलब स्टॉक तो आपका इंक्रीज हो ही रहा है, स्टॉक में आपने 20,000 रुपीज़ राइट कर दिया. उसके बाद ऑन क्रेडिट परचेस किया है, तो जो क्रेडिट परचेस किया है वो लायबिलिटी साइड में हम लोग एक बनाएंगे क्रेडिटर. ठीक है, क्रेडिटर में यहाँ लिखेंगे कितना 20,000 रुपीज़ और कैपिटल में नो चेंजिंग. ठीक, 52,000 था कैश आपका, कैश में कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो ये कितना आया है 52,000 हो गया. स्टॉक पहले था 28,000 का, बाद में 20,000 हो गया, ये हो गया 48,000 टोटल. उसके बाद क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है 20,000 से, 20,000 हमने यहाँ पे क्रेडिटर में राइट कर दिया और कैपिटल में नो चेंजिंग, सबको ऐड कर दिया, तो ये 80,000 हो गया, 20,000 हो गया, 6,000 हो गया, या 48,000 हो गया और कैश आपका 46,000 हो गया. ठीक, नेक्स्ट है पेड रेंट. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, रेंट पेड कर रहे हो. ठीक है, 2,000 रुपीज़ तो आपका ये एक्सपेंसिव है. ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, कैश में 2,000 माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी 2,000 माइनस कर देंगे. ठीक है, ये हो गया 44,000, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसमें और बाकी चीज़ में कोई चेंज नहीं होगी. 78,000 में से 80,000 में से 2,000 माइनस कर दिया, तो ये 78,000 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव कमीशन 500 रुपीज़. कमीशन आपने क्या किया है, 500 रुपीज़ रिसीव किया है, तो आपकी ये इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, कैश में और कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे. ठीक है, ये हो गया ऐड करने के बाद 44,500 रुपीज़, और ये हो गया 78,500 रुपीज़, बाकी पहले वाला सब उसी तरह, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं थी उसको हमने राइट कर लिया. नेक्स्ट है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़ 3,000 रुपीज़. प्राइवेट यूज़ के लिए हमने क्या किया है, मतलब ओनर ने क्या किया है, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया है, तो कैश में माइनस हो जाएगा 3,000, कैपिटल में से 3,000 माइनस हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया 41,500, ये हो गया 75,500, बाकी कोई चीज़ में कोई चेंजिंग नहीं होगी. नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000, कॉस्ट प्राइस है 30,000, मतलब आपने गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट. जब ऑन क्रेडिट सोल्ड करेंगे तो एसेट साइड में हम लोग एक लेदर बनाएंगे
डेटर्स का, ठीक है। डेटर्स के सामने लिखेंगे हम लोग कितना 40,000, और आपने स्टॉक की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 30,000 थी स्टॉक की वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू में से हम लोग क्या करेंगे, 30,000 माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब 30,000 रुपये का जो गुड्स है आपने उसको 40,000 में बेचा, डिफरेंस कितना है, 10,000 डिफरेंस है, ये 10,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर 15,000 रुपीस। क्रेडिटर को आपने पेमेंट किया, जो आपने उससे परचेस किया था ऑन क्रेडिट उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके कैश में से माइनस हो जाएगा 15,000, और क्रेडिटर में से भी माइनस हो जाएगा, और बाकी किसी चीज़ में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। 41,500 में से 15,000 माइनस कर दिया तो ये 26,500 हो गया, और बाकी कोई चीज़ में कोई चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग नहीं होगी। अब क्रेडिटर में 15,000 माइनस कर देंगे तो ये 5,000 हो गया, ठीक है, बाकी किसी चीज़ में चेंजिंग नहीं होगी। अब हम लोग सबका बैलेंसिंग करेंगे, तो इसका 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 ऐड करने पे और इसको दोनों ऐड करने पे, मतलब एसेट साइड और लायबिलिटी प्लस कैपिटल को ऐड करने पे दोनों अगर बराबर होता है तो ये आपका क्वेश्चन राइट होगा, ओके।